तो खाना खाने के बाद हम जाएंगे जानकी सेतु, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और ऋषिकेश इसका मार्केट है, अभी हम नीचे जा रहे हैं भाई त्रिवेणी घाट पे, यहाँ पे गंगा जी की आरती होगी। हेलो भाई, मैं हूँ अजय और भाई आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऋषिकेश दिन के 1 बजे, ठीक है। पहले भाई मैं हिमाचल जा रहा था पर इंस्टेंटली प्लान बना, मेरा ये दोस्त मेरे साथ है तो इंस्टेंटली भाई एक प्लान बना कि ऋषिकेश चलते हैं, ठीक है। रैंडमली मतलब ऑन द वे थे हिमाचल के लिए, बट रैंडमली प्लान बना कि ऋषिकेश साइड को चलते हैं और ऐसे ही आ गए हम बाबा बनते हुए। देखो ये भी कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रहे हैं। टारगेट है भाई शाम तक गंगा आरती तक पहुँचने का, गूगल मैप के हिसाब से हम 8 बजे पहुंचेंगे, ठीक है, जब तक गंगा आरती खत्म हो चुकी होगी। बट देखते हैं गूगल मैप को बीट करते हैं, गंगा आरती पे पहुंचते हैं। उसका डाल दो अभी, इसमें डाल दो अभी, जितना आता है उतना और डाल दो। अब नहीं आएगा, 930 रुपये का है। मैंने ट्रिप भी है जो मेरी वो मैंने जीरो कर दी है। अब यहाँ से 1 बजे हम निकल रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक हम ऋषिकेश पहुँच सकते हैं, ठीक है। बीच में कोई स्टॉप लेते हैं वहाँ पे मिलते हैं आपको। तो भाई अभी हम पहुंच चुके थे रुड़की, रुड़की के नियर बाय हैं कहीं पे हम, ये भाई इलाका है कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद भाई हमने सीधा स्टॉप लेना है ऋषिकेश का, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। मतलब गूगल के हिसाब से हमने 8 बजे पहुंचना था, पर फिलहाल अभी हम पहुंच जाएंगे 5:30 बजे तक। मतलब है कि आरती हम अटेंड कर लेंगे, बट फिर भी देखते हैं भाई एक बार कितनी देर लगती है हमें अभी पहुंचने में। सिर्फ एक ही स्टॉप लिया हमने चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के बाद अब सीधा यहीं पर रुके हैं, चलते हैं फिर ऋषिकेश, मिलते हैं आपको गंगा आरती में या फिर पहुंचता हूं। टाइम हो रहा है भाई 4:51 और हम पहुंच चुके हैं भाई हरिद्वार पे, और यहां पे हम ज़्यादा देर रुक नहीं रहे क्योंकि हमने अभी ऋषिकेश जाना है डायरेक्ट, क्योंकि शाम की आरती हम मिस नहीं करना चाहते, जिसके कारण भाई यहां पे स्टे नहीं ले रहे। तो खाली ये व्यू दिखा रहा था मैं कि हम पहुंच गए, अब मिलता हूं मैं भाई आपको सीधा ऋषिकेश में। तो भाई हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, कुछ इस तरह दिखता है ऋषिकेश। बाइक भाई मैंने अपने कज़न के यहाँ पे खड़ी कर दी थी, तो ये कुछ ऋषिकेश का मार्केट है। अभी हम नीचे जा रहे हैं भाई त्रिवेणी घाट पे, यहाँ पे गंगा जी की आरती होगी तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, तो मिलता हूँ भाई नीचे त्रिवेणी घाट पे। ये कुछ मार्केट है भाई यहाँ का, किसी को अगर आना होगा तो इजिली सामान ले सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं छोटे मोटे सामान के। तो मैं नीचे मिलता हूँ भाई आरती के वहाँ पे ना। ये कुछ एंट्री गेट है भाई, ऐसा होता है एंट्री गेट। अब ले चलता हूँ भाई मैं आपको आरती में, यहाँ पे आरती हो रही है, मैं ले चलता हूँ आपको नजदीक दिखा के एक बार, ठीक है। We'll be right back.
तो भाई गंगा आरती खत्म हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुंचने के लिए, मतलब आरती शुरू नहीं हुई थी, पर यहाँ पे ना भीड़ बहुत हो गई थी। अभी फिलहाल खाली हो चुका है क्योंकि आरती खत्म। इसके बाद हम भी देखते हैं भाई कहाँ जाना है, अभी फिक्स नहीं है। दो टाइप के आइडिया दिमाग में चल रहे हैं, एक में चल रहा है कि घर चले जाएं, या फिर सेकंड वाले में चल रहा है कि यहीं रुक जाएं। अभी फिक्स नहीं है क्योंकि रात भी हो चुकी है और ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, तो फिर देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। बता देता हूँ भाई आपको जहाँ भी बन पाएगा। अब जा रहे हैं भाई हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, हम भूखे पेट ही आ रखे हैं। यहाँ का हाल देख भाई, आरती खत्म होने के बाद भी लोग रहते हैं यहाँ पे। सामान लेना है, चलो भाई कुछ सामान लेना है इसने, कुछ सामान लेते हैं उसके बाद कुछ खाने के लिए चलते हैं ऊपर, मिलता हूँ मैं भाई। अगर आपको कुछ लेना होगा तो आप लोग भी आ सकते हो, देखो वैरायटीज बहुत सारी हैं। बाबा केदारनाथ शिवलिंग देख रहा भाई ये लेने के लिए, देखते हैं कौन सा फाइनल करता है। अगर भाई टाइम पास करना किसी को बोलते हैं ना तो वो चीज़ ही है। देखो भाई लिटरली बंदा ना उसमें गिन रहा है कि 108 माला है कि नहीं है। देखो भाई कितनी माला है, बस सॉरी भाई कितने दाने हैं, डिस्टर्ब ना हो इसलिए भाई। मतलब भाई ये वहाँ गया, इसने शिवलिंग का प्राइस पूछा, शिवलिंग नहीं लेके आया, ठीक है। यहाँ पे आया, इसने माला पूछी, इसने बोला भाई 108 ही है, फिर भी नहीं ले रहा है। तो भाई अब हम ना खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो खाना खाने के बाद हम जाएंगे जानकी सेतु, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और थोड़ा टाइम बचा तो हम लक्ष्मण सेतु भी शायद जा सकते हैं। तो इस वीडियो को भाई मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं जानकी सेतु या फिर थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करूंगा कि क्या क्या मिल सकता है हमको यहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड बाय, प्लीज़।